तो कैसे हैं आप लोग? आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके हिंदी यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है डिजिटल क्योर। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में पढ़ लिया है कि आज मैं आपको जानकारी दूंगा कि सीएससी में अगर आप लोग एक टिकट बुक करते हैं तो उसमें आपको कितना कमीशन मिलता है और कैसे मिलता है, कहाँ पर से आपको टिकट बुक करना है, सीएससी के आपको एजेंट आईडी से कैसे लॉग इन करना है आपको आईआरसीटीसी की वेबसाइट में, तो पूरी जानकारी दूंगा दोस्तों, ढेर सारी जानकारी दूंगा। तो ऐसे ही अगर आप लोगों को लेटेस्ट अपडेट्स चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि ऐसी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं, फटाफट आपका समय नहीं गवाते। तो चलिए, मैंने यहाँ पर देख सकते हैं, मैं अपने ये डिजिटल सेवा पोर्टल की वेबसाइट भी मैंने लॉगिन कर रखी है और यहाँ पर आईआरसीटीसी की ऑफिशियल वेबसाइट में भी आया हूँ। जब भी आप लोग आईआरसीटीसी की वेबसाइट में आएंगे कुछ इस टाइप से इंटरफेस आएगा, तो सिंपली हम लोग ओके पर क्लिक करते हैं, हम लोग इसकी होम पेज पर आ जाएंगे, कुछ इस टाइप से आएगा। अब आपको करने के दोस्तों, आप लोग को अगर इसकी होम पेज पर आने के बाद में अब लॉगिन करना है, तो लॉगिन करने के लिए बहुत सारे हमारे एजेंट्स क्या करते हैं, मैं आपको यहाँ पर से दिखा देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं, ये यहाँ पर आ रहा है एक ऑप्शन एजेंट लॉगिन, तो बहुत से हमारे दोस्त जो क्या करते हैं इसमें लॉगिन करते हैं। इसमें जब भी आप लोग लॉगिन करेंगे तो लॉगिन नहीं होगा दोस्तों, इस बात का ध्यान रहे, ठीक है। एक चीज़ आप लोगों ने देख ली कि यहाँ पर आप लोगों को लॉगिन नहीं करना है, आपको लॉगिन कहाँ करना है, इसके बगल में करना है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, इसके बगल में लॉगिन का है बटन, देख सकते हैं यहाँ पर, आपको यहाँ पर क्लिक करना है दोस्तों। जैसे ही आप लोग इसमें क्लिक करेंगे, फिर मैं आपको आगे का प्रोसेस बता देता हूँ। तो जैसे ही आप लोग इसमें लॉगिन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने सेम ऐसी विंडो आ जाएगी दोस्तों। तो इसके बाद में आप लोग को अपना यहाँ पर यूजर नेम डालना है, यहाँ पर पासवर्ड है, यहाँ पर ये कैप्चा कोड जो इसमें दिया गया है। अब ध्यान रहे दोस्तों, आपको यूजर नेम क्या डालना है, जो आप लोग के आईआरसीटीसी की एजेंट आईडी है सीएससी की तरफ से मिली हुई, वो आपको यहाँ पर डालना है और वो पासवर्ड डालना है। अगर किसी हमारे किसी दोस्तों को अगर आईआरसीटीसी की एजेंट आईडी लेने में प्रॉब्लम हो रही है या कोई भी प्रॉब्लम आ रही है कि उसके पास पासवर्ड खो गया या आईआरसीटीसी की एजेंट आईडी मिली नहीं मिली, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि आप लोग की आईआरसीटीसी अगर आप लोग खो गए हैं उसकी आईडी पासवर्ड, तो आप लोग को दोबारा कैसे मिलेगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तभी आपको ये जानकारी मिल पाएंगी दोस्तों। और कुछ भी सवाल सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। तो चलिए, मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ फटाफट अपने आईडी से। लॉगिन करने वाले सिंपली यहाँ पर एजेंट लॉगिन पर आप लोग को क्लिक नहीं करना है, ध्यान रहे दोस्तों, यहाँ पर क्लिक नहीं करना है, आपको सिंपली साइन इन पर क्लिक करना है। तो चलिए, मैं क्लिक कर लेता हूँ फटाफट। जैसे हमने वहाँ पर क्लिक किया दोस्तों, देख सकते हैं, जैसे हमने लॉगिन पर क्लिक किया, हमारे सामने सीधे यहाँ पर ओटीपी का ऑप्शन आ गया। अब आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम में, जब आप आईआरसीटीसी एजेंट आईडी के लिए जब आपने लॉगिन किया होगा, उस टाइम में जब भी जो आपने मोबाइल नंबर दिया होगा, उस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आ जाएगी दोस्तों। सिंपली आप लोग को ओटीपी फिलअप करनी है यहाँ पर, इसलिए कभी भी आप लोग सही ओटीपी दें। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन के वक्त जो भी ईमेल आईडी और पासवर्ड दिया था या जो मोबाइल नंबर दिया था, अगर वो खो गया है, डिलीट हो गया है या सिम खराब हो गई है, तो आप लोग का मैं पूरा प्रोसेस बता दूंगा कि आप लोग को दोबारा से नया नंबर, नया मेल आईडी कैसे एंटर करनी है, कैसे रजिस्टर करना है। तो उसके लिए मुझे कमेंट कर दीजिएगा अगर कुछ डाउट हो तो। तो चलिए, मैं फटाफट यहाँ पर से, मेरी ओटीपी आ चुकी है, मैं यहाँ से ओटीपी एंटर कर देता हूँ। ओटीपी यहाँ पर से जो आया है मेरा दोस्तों, यहाँ पर डालने के बाद सिंपली हमें सबमिट ओटीपी पर क्लिक करना है। जैसे हम लोग ये क्लिक पर क्लिक करेंगे, हमारे यहाँ पर से लॉगिन हो जाएगी। अभी देख लेते हैं, ये थोड़ा सा स्लो काम करते हैं। लॉगिन हो चुकी है, अब सिंपली हमें करना कुछ नहीं है, हमें यहाँ पर से ओके पर क्लिक कर देना है। और देख सकते हैं, हमारे यहाँ पर से आ चुका है, लॉगिन हो चुका है यहाँ पर। तो अब हमें करना है, जैसे कि मैं आपको एक टिकट मैंने कल की डेट में बुक किया था, तो सिंपली मैं एक बार वहाँ पर जाता हूँ माई अकाउंट में और मैं दिखा देता हूँ टिकट आपको। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, जैसे हम लोग यहाँ पर क्लिक अकाउंट पर, जैसे हम लोग माई अकाउंट पर आएंगे, तो यहाँ पर से हमारे ये ट्रांजेक्शन आ जाते हैं। हमें क्लिक नहीं करना, सीधे हमें यहाँ पर देख सकते हैं, खाली मैं माउस का पॉइंटर ले जा रहा हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पर बुक टिकट हिस्ट्री, तो मैं इसमें चले जाता हूँ। तो मैं यहाँ पर बुक टिकट हिस्ट्री पर क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, मेरे सारे टिकट यहाँ पर आ जाएंगे दोस्तों, जो भी मैंने अपने सीएससी के अकाउंट से यहाँ पर लॉगिन, यहाँ पर मैंने टिकट लिए हैं। तो मैंने एक टिकट लिया है दोस्तों, यहाँ पर यह है आपका, देख सकते हैं ये वाला टिकट है। तो ये टिकट मैंने 24 फरवरी को ये किया, देख सकते हैं, एक सेकंड मैं दिखा देता हूँ। ये जी हाँ दोस्तों, ये वाला टिकट है वो, तो ये बरेली देख सकते हैं 6 मार्च का। चले, मैं इसको एक बार ओपन कर लेता हूँ। ये टिकट मैंने कल की डेट में बुक किया था दोस्तों, ये वाला भी नहीं है, इसके भी दूसरा वाला है। मैं एक बार फिर से एक बार बैक कर लेता हूँ। ये है दोस्तों, इस टिकट को हम लोग एक बार ओपन करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये, तो यहाँ पर ये वाला टिकट है दोस्तों, देख सकते हैं हमारा मिल चुका है। मैंने बहुत सारे टिकट किए, इसलिए थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो गई थी। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर हमारा टोटल अमाउंट पेड यहाँ पर 679 रुपये 17 पैसे बता रहा है।
जबकि जब हमने फाइनल पेमेंट पे गए तो यहाँ पर से लगभग 27 से 28 रुपये इसने एक्स्ट्रा जोड़ा था। चलिए हम लोग वो कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं और मैं आपको लाइव कैलकुलेट करके बता देता हूँ कि हमें कितना कमीशन मिला है। तो यहाँ पर आगे हम लोग और एक बार कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं। कैलकुलेटर ओपन करने के बाद में हम लोग एक बार इसमें कैलकुलेट करेंगे कि हमारा प्रीमियम कितना आया टोटल और हमें कितना मार्जिन मिला। तो चलिए यहाँ पर से कैलकुलेटर ऐप आ चुकी है, तो यहाँ पर से देख सकते हैं यहाँ पर कैलकुलेटर ओपन हो गया। हम लोग ये वाला अमाउंट डालते हैं, इतना आ गया प्लस हमारा, जैसे मान लेते उसमें 28 से 29 रुपये कुछ एक्स्ट्रा कटा था इसमें, चलो वो भी जोड़ लेते हैं हम लोग। इसमें इतना नहीं, थोड़ा सा कम कटा होगा दोस्तों क्योंकि ये ज़्यादा हो रहा है। वो 691 रुपये लगभग कुछ कटे थे, यानी कि 11 रुपये हम लोग और ऐड कर लेते हैं, तो 690 रुपये कुछ पैसे हो गया। ठीक है, और अब हमारा जो यहाँ पर से हम लोग डिजिटल सेवा पोर्टल के वेबसाइट पर आते हैं, जहाँ पर से हमारे टिकट का हिस्ट्री दिखाई गया हमारे कितने वॉलेट से कटे हैं। तो एक बार हमारी डिजिटल सेवा पोर्टल की वेबसाइट ओपन हो रही है, तो देख लेते हैं अभी जैसे ही ओपन हो जाती है हमारी साइट तो इसमें हमारा कितना कटा है वो, उसकी यहाँ पर ट्रांजेक्शन की डिटेल रहती है दोस्तों। देख सकते हैं यहाँ पर रिसेंट ट्रांजेक्शन है, तो यहाँ पर जब हम लोग आएंगे तो यहाँ पर हमारा मैं आपको दिखा देता हूँ। देख सकते हैं मैंने ये 2 10 रुपये बैलेंस पे से कुछ परचेज़ किया और तीसरा मैंने यहाँ पर से ये कटा है, तो 691 रुपये यहाँ पर दिखा रहा है दोस्तों। देख सकते हैं 691 यहाँ पर दिखा रहा, और जबकि यहाँ पर भी हमारा 691 हो रहा था, लेकिन जब हम लोग टिकट जब प्रिंट करेंगे, तो चलिए मैं एक बार दिखाता हूँ, जब हम लोग टिकट प्रिंट करेंगे तो इसमें कितना आएगा दोस्तों। तो इसमें जो है देखिए 704 रुपये कुछ पैसे का आता है, यानी कि हमारे 11 12 रुपये कमीशन देता है। तो ये कोई ज़्यादा कमीशन नहीं है, फिर भी मतलब ना होने से कुछ तो होना सही है। फिर आप लोग कस्टमर से 20 या 30 रुपये एक्स्ट्रा ले सकते हैं, मतलब आप लोग समझ चुके होंगे दोस्तों कि जैसे हमारा फर्स्ट में तो यहाँ पर टिकट एक कम दिखा, देखिए 758 रुपये कुछ पैसे का यहाँ पर दिखाता है, लेकिन जब हम लोग ये टिकट बुक करने के लिए जाते हैं तो उसमें 10 20 रुपये कुछ एक्स्ट्रा जोड़ता है चार्जर्स, फिर उसे भी जोड़ कर ये हमारा टोटल कर देता है यहाँ पर 690 91 रुपये कर देता है। 58 देख सकते हैं यहाँ पर 60 80, यानी कि 20 या 22 रुपये कुछ जोड़ता है। फिर उसके बाद टोटल कस्टमर का जब हम लोग टिकट प्रिंट करते हैं तो उसमें ज़्यादा प्रिंट होकर आता है और इसमें से हमारा कुछ मार्जिन बच जाता है। तो मार्जिन हमें मतलब लग देख 700 रुपये में मतलब मुझे 11 12 रुपये दिए हैं, और जब मैंने एक बार 2300 या 2400 रुपये का टिकट बुक किया था तो मुझे 35 या 36 रुपये दिया था। उस हिसाब से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कितना देता होगा मार्जिन, तो कोई खास नहीं है फिर भी सही है। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और कुछ भी सवाल सुझाव हो इस IRCTC की को लेकर तो CSC की तरफ से, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा।